गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने सोचा मेरा वीडियो बालकनी से स्टार्ट करते हैं, और कल तो मैंने बाद में व्यू दिखाया था, आज पहले ही दिखा दिया। आज भी वेदर क्लाउडी है, अभी 6 बज रहे होंगे, 6:10-15 होगा, पर अभी इतना जल्दी धूप तो निकलता नहीं है वैसे भी, और अभी भी क्लाउडी है। मैंने तो मेरा चाय भी बाहर बालकनी तक ही लेके आई हूँ। ऐसा बालकनी का व्यू विद अ कप ऑफ टी, माइंड ब्लोइंग। जो भी बोलो, बाहर पसंद नहीं है पर सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। चलिए आपको थोड़ा अच्छे से नज़ारा दिखाते हैं। बोली तो किसको अच्छा लगता है इतना अच्छा नजारा देखने के बाद काम करने का मूड होता है, लगता है हॉलिडे पे है ना। पर रोज ही क्या हॉलिडे होगा, जरूरी है। माउंटेन्स यहीं पे रहेंगे, यहाँ के लोग भी यहीं पे रहेंगे, व्यू भी रोज ही रहेगा, काम भी रोज ही करना है, पर मन तो नहीं होता है बिल्कुल भी। एकदम मन नहीं है काम करने का, और फ्लिपकार्ट वाला अभी तक ट्राईपॉड डिलीवर करके नहीं गया है। मेरा वीडियो शेकी बन रहा है, पता नहीं आप लोग कैसे देख रहे हैं। यहाँ पे ना गाय का दूध बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हम लोग उतना दूध पीते नहीं है, और अमूल ताज़ा और वो अमूल गोल्ड लेके आते हैं, वो स्टेरिलाइज किया हुआ दूध उतना अच्छा नहीं होता है ना, तो मॉर्निंग टाइम हम लोग टी अवॉइड करते हैं। मेरे हस्बैंड तो चाय उतना पीते ही नहीं है, और हम क्या करते हैं बच्चों के तरह अभी भी बॉर्नविटा पीते हैं, तो उसमें भी दूध लगता है, तो क्या करते हैं वो अमूल स्प्रे जो पाउडर मिल्क होता है वो 2 चम्मच और बॉर्नविटा डाल के पी लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो दूध पीना और ये दूध में कोई फर्क नहीं है। गाय का दूध मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, अभी नया शिफ्ट हुए शायद मिलता है, अभी देखना पड़ेगा कौन सा दूध वाला है, कौन दे के जाता है कौन नहीं दे के जाता है। तो हम लोग सुबह एक्चुअली चाय नहीं पीते हैं, मैंने पहले दिखाया कप में हम पी रहे, पर वो चाय नहीं था, वो बॉर्नविटा था। और क्या बोले, कल से तो ठंड बहुत बढ़ गया है, कल रात को पूरा बारिश हुआ था, बहुत तेजी से बारिश हुआ था, बाल बाल बांध लिया है, व्यू तो रोज रहेंगे। चलिए काम पे लग जाते हैं, हम लोग का क्या है, नज़ारा अपनी जगह, टूरिस्ट भी घूमने आते हैं अपनी जगह, पर मैं तो लोकल बन गई हूँ, मुझे तो काम करना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो रूम का बेड मिलाते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। बोलना बेकार है, बहुत सारा काम है, आपको भी पता है, आपके घर में भी होता ही होगा, तो चलिए वो सब करते हैं। बेड का हालत एक बार देख लीजिए तो समझ में आएगा क्या हालत है। अब आज बेडशीट भी चेंज करना है, पिलो कवर भी चेंज करना है, ब्लैंकेट में भी कवर चढ़ाना है, और मेरे हस्बैंड क्या किए, जाते टाइम अपना जैकेट यहीं पे बेड पे छोड़ के चले गए। देखिए अभी मैंने इसको बेडशीट चेंज कर दिया, पिलो कवर मैचिंग का मुझे मिला नहीं, ब्लैंकेट का कवर मिला नहीं, तो जैसे तैसे मैंने बेड को रेडी कर दिया। अभी नया शिफ्ट हुआ है ना, सारा पैकेज खुला नहीं है, अब पता नहीं कौन से बैग में क्या है, जो सामने मिला मैंने लगा दिया, कम से कम साफ तो है। अभी मेरा लगभग सब काम हो गया है, और मशीन में कपड़ा डाल दिया है धोने के लिए, अब वो सब सुखाना है बस, और कल फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है तो उसको भी ख़त्म करना है। वेस्ट करने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोग बोलते हैं बासी क्यों खाते हो, बासी क्यों खाते हो, पर किसी ना किसी को तो बासी खाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे कोई बेगर्स भी नहीं देते दे, और खाना वेस्ट जाए फेंकने में मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे से ये नहीं होता है, खाना मैं नहीं फेंक सकती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाता है जैसे तैसे, खाली मुझे लगता है कि कितने लोगों को तो खाना मिलता नहीं और हम लोग ऐसे बर्बाद कर रहे, तो बस थोड़ा बहुत ही खाना बनाना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ब्रेकफास्ट आज मुझे करने का मन नहीं है, पर थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, देखते कुछ मफिन्स केला फ्रूट्स वगैरह खा लेते। मैं कल बिग बाज़ार से ये सब सारा सामान खरीद के लाई हूँ, और बहुत कुछ लाई हूँ जो एक एक करके उठा के दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो भी घर का सामान है, जो कपड़ा वगैरह है मैं अलग से आपके वीडियो बना के दिखाऊंगी, पर इसमें 2 चीज़ मुझे काफ़ी सस्ते मिली है और आप भी जाके ले सकते हो, उसका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो है ये धारा का कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल, जिसका MRP 750 रुपीज़ था, पर बिग बाज़ार में ये ऑफर प्राइस में 507 रुपीज़ में मिल रहा था, काफ़ी सस्ता था, आप चाहो तो अभी भी बिग बाज़ार से ले सकते हो। और दूसरा लॉरियल किट है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताती हूँ। तो ये है लॉरियल पेरिस की तरफ से डैमेज एक्सपर्ट किट, वो है टोटल रिपेयर 5, इसमें आपको फ्री कंडीशनर एज वेल एज सीरम भी मिलेगा,
इसका जो फ्री आइटम है उसका वर्थ है 335 रुपीज, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर इसका मैं पैकेजिंग का बात करूँ तो ये एक ऐसा बॉक्स में आता है, उसका एक हैंडल प्लास्टिक दिया हुआ है जो कि काफी कन्वीनियंट है कैरी करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक सीरम का बॉक्स है, ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है, और ये एक ट्रांसपेरेंट टाइप का एक स्क्रीन बना हुआ है ताकि बाहर से प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, स्टेप वन यहाँ पे दिया हुआ है शैम्पू, स्टेप टू कंडीशनर, स्टेप थ्री सीरम। ये तो ऑल टाइप के लिए सेम ही है, मोटा मोटी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब चले जाते हैं इसके पीछे पोर्शन में। पीछे पोर्शन में इसका लिखा हुआ है, दिस पैक कंटेन्स टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू 704 ml, जिसका MRP है 450, विद टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग कंडीशनर 192.5 ml, जिसका MRP है 185, जो कि फ्री है, और उसके साथ स्मूदनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम 40 ml, वो भी 150 rupees का फ्री है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब ये बिग बाजार से मैंने ये परचेस किया हुआ है, तो मैंने जब परचेस किया था तो पहले मैंने लॉरियल क्ले शैम्पू जो था वो उठाया था, तो उसका भी 704 ml 450 rupees है, पर एडवांस 5 रिपेयर में 450 rupees में मुझे कंडीशनर, सीरम और शैम्पू तीनों ही मिल रहा था। और अगर आप देखो तो इसका लिखा हुआ है MRP और प्रोमोशनल पैक इज 450 rupees। इसका पैकेजिंग बेहद सुंदर है, मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है, इस्तेमाल करने के बाद मैं जरूर इसका रिव्यू डालूंगी, पर पहले भी मैंने लॉरियल का 5 रिपेयर कंट्रोल पहले यूज किया हुआ था, ये काफी अच्छा शैम्पू है, पर ये जो पैकेजिंग मुझे मिला है इट्स रियली ग्रेट कि मुझे ये प्रमोशनल ऑफर में इतना सस्ता डील में मिला। अगर आप चाहो तो बिग बाजार से ये जरूर ले सकते हो। तो ये मेरा शॉपिंग का कूपन, जिसका ऊपर का हिस्सा फटा हुआ है, आपको लगेगा कि क्यों ऐसा पेपर मैंने डाला जो फटा हुआ है, वो एक्चुअली 500 का कूपन था जो कि मैंने कल यूज कर लिया है। ये है मेरा बिग बाजार का बिल जो है कि 3967, पर मुझे देना पड़ा है 3567, 400 रुपये मेरा एक्चुअली कम हो गया है। वो जो 18th को मिडनाइट सेल था ऑनलाइन में मुझे कूपन मिला था, जिसकी वजह से मैंने 400 रुपये सेविंग्स किए। तो ऐसे डील्स के लिए आप चेक करें, आप भी सेव कर सकते हो। अच्छा बताइए तो आप में से कितने जन को हिली एरिया पसंद है और कितने जन को सी साइड पसंद है? मुझे सी साइड पसंद है। अब जिसको जो पसंद होता है ना, भगवान उसका ऑपोजिट ही उसको देता है। मुझे भगवान ने भेज दिया है हिली एरिया में, एकदम शांत, ना गाड़ी का आवाज आता है, ना इंसान जोर से बात करता है यहाँ पे, ना ज्यादा हंसता है ना बोलता है। अब मैं तो सिटी की लड़की हूँ और वो भी मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आके बात करने के लिए भी कोई नहीं है ज्यादा, यहाँ पे लोग बोलते नहीं और बोलते भी है तो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, पर एक चीज अच्छा है कि हिंदी यहाँ पे सब समझ में आता है, हिंदी इज द मतलब मिडिल लैंग्वेज थ्रू विच हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पहाड़ पसंद है भाई, आप बताइए कितना पहाड़ आप लोग देखेंगे, सी साइड में हम लोग कितना एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हाँ व्यू अच्छा आता है, फोटोज वगैरह काफी अच्छा आता है, जितना दिखने में सुंदर हो उससे तो ज्यादा ही फोटो अच्छा आता है। और रहा बात यहाँ पे रहने का, मुझे अच्छा लग रहा है, ठंड भी थोड़ा है, मैं शिफ्ट हुई हूँ, पर काफी अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था तो इसलिए मैंने थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप किया था। वो क्या हुआ था, मेरे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो बाहर से मैंने पूछा कौन, तो कोई आवाज़ नहीं आया। तो दोबारा मैंने पूछा कौन, तो बोला मैं। फिर मैंने पूछा कौन, फिर बोलता है मैं। फिर मैंने बोला आपका कोई नाम तो होगा, तो बोला कि मेरे नाम बताने से आपको समझ में आएगा कौन है, दरवाज़ा तो खोलिए। तो मैंने बोला मैं नहीं खोलूँगी, आप कौन है? तो बोला मैं आपकी नेबर हूँ मैडम, पानी नहीं है, थोड़ा पानी मिलेगा? तो मैंने बोला हाँ दे रहे। फिर मुझे इतना बुरा लगा कि वो लड़का बेचारा कम से कम कितना देर से दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने नहीं खोला। तो उसके बाद मैंने उसको पानी दिया, तो बोला भाभी कभी कभी इतना भी डरना नहीं चाहिए, बाहर वाला इंसान को भी ज़रूरत है, आपका पानी चाहिए था मुझे। तो ये ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ अक्सर होते रहता है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, और क्या बोलूँ आपको, मुझे इतना डर लगता है करेंट चले जाने से, अभी एक मिनट के लिए भी लाइट ऑफ हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।